हाय दोस्तों, तो भाई आज मेरे पास आ गया है Samsung की M सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Galaxy M40। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, मैं आपको बताऊंगा मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है इस फोन के, और करेंगे भाई फोन का गेमिंग टेस्ट, देखेंगे PUBG खेलने के लिए फोन बढ़िया है या नहीं, कंपेयर करके देखेंगे Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro, इन सब फोन्स के साथ इसको क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये है भाई बॉक्स कंटेंट्स फोन के, और सबसे पहली चीज जो मैं देख के खुश हुआ कि भाई सैमसंग ने इन ईयर वाले ईयरफोन्स बंडल करे हैं फोन के साथ, ये देख के मैं बहुत खुश हुआ। बट साथ ही साथ एक झटका भी लगा कि भाई ये टाइप सी ईयरफोन्स हैं, तो इसका मतलब है कि जो फोन है हमारा उसमें से 3.5 mm जैक हटा दिया है सैमसंग ने। तो पहला बजट फोन है ये सैमसंग का जिसमें से उसने हेडफोन जैक हटा दिया है, और ये न्यूज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इसका मतलब है भाई धीरे धीरे शायद सैमसंग के बाकी फोन से भी हेडफोन जैक हट सकता है। पर चलिए बाकी चीजों की बात करते हैं। तो हमें फोन के साथ साथ मिल जाता है एक सैमसंग की अडैप्टिव फास्ट चार्जिंग वाली चार्जिंग ब्रेक और एक टाइप सी केबल, कोई भी प्रोटेक्टिव केस आपको बॉक्स में साथ नहीं मिलता है। चलिए आ जाते हैं फोन पे। तो ये है भाई गैलेक्सी M40, और यार पहली चीज तो जो भाई बहुत सुंदर है फोन दिखने में, तो जो M20 M30 थे उनके साथ मेरी एक शिकायत थी कि भाई जो डिजाइन था वो बहुत ज्यादा ब्लैंड था, पीछे से बहुत प्लेन से लगते थे। यहाँ पे आपको एक अलग सा ही ग्रेडियंट पैटर्न मिलता है, साइड से लाइट है, बीच में से डार्क है, तो काफी डेप्थ फील होती है यहाँ पे आपको फोन के डिजाइन में। इसको मैं साथ में साथ कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो ये है गैलेक्सी A50 मेरे पास साइड में, उससे अलग टाइप का डिजाइन है। गैलेक्सी A50 में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव बैक थी, M40 में भाई थोड़ी सी ज्यादा सोबर है उससे, बट मुझे डेफिनेटली M40 वाला लुक ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन कैमरा सेंसर है उसमें आपको एक छोटी सी रिंग मिल जाती है कैमरा के अराउंड, तो ओवरऑल जो लुक मिलता है वो काफी अच्छा मिल जाता है इससे। फोन काफी ज्यादा लाइट है अगर मैं कंपेयर करूं M20 M30 से, क्योंकि उन दोनों फोन्स की तरह इसमें 5000 mAh की बैटरी नहीं है, और साथ में मैं इसको अगर कंपेयर करूं Redmi Note 7 Pro से तो आप देखोगे उतना मोटा भी नहीं है जितना Redmi Note 7 Pro मोटा है, और Redmi Note 7 Pro की तरह इसमें मोटा सा कैमरा बंप भी आपको नहीं मिलता है। Realme 3 Pro से कंपेयर करके दिखाऊं तो भाई Realme 3 Pro में आपको क्लियरली दिखता है कि प्लास्टिक बैक है, तो उतना प्रीमियम फीलिंग नहीं आती है। Galaxy M40 में भी है तो प्लास्टिक बैक, बट Samsung इसको ग्लास्टिक डिजाइन बोलता है, और भाई ओवरऑल काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है ये, ऑलमोस्ट ग्लास जैसा फील होता है, ग्लॉसी है काफी ज्यादा, तो फिंगरप्रिंट आपके इस पे बहुत जल्दी लग जाएंगे। अब सामने आ जाते हैं भाई, तो सामने यहाँ पे हमें एक नई चीज देखने को मिलती है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो है पंच होल कैमरा बेसिकली हमें मिलता है यहाँ पे। तो ऊपर आपको कोई नॉच नहीं मिलता है, बहुत ही कम बेजल्स आपको मिलते हैं तीनों तरफ, नीचे की जो चिन है वो भी काफी छोटी सी है, और जो फ्रंट कैमरा है वो एक पंच होल में दिया गया है, और डेफिनेटली ये डिजाइन मुझे यार नॉच से बेटर लगता है, क्योंकि काफी सिमेट्रिकल लगता है आपका पूरा स्क्रीन एक्सपीरियंस। फोन के साथ आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन तो मिलता है, बट डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है यहाँ पे, आपको हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे मिलती है। नीचे जैसे मैंने आपको बताया भाई हेडफोन जैक मिसिंग हो गया है, तो RIP जैक हो गया है। टाइप सी पोर्ट मिलता है नीचे बस आपको, और आपको आपकी स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अब बात करते हैं भाई स्क्रीन की यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन, और एक चीज जो यहाँ पे सैमसंग ने चेंज करी है कि ये LCD स्क्रीन है भाई, AMOLED स्क्रीन यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ कि एक्चुअल स्क्रीन परफॉर्मेंस कैसा है, तो साइड में यहाँ पे मैं रख देता हूँ गैलेक्सी A50, और फिर आ जाता है भाई Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro। तो यहाँ पे आप पहली चीज जो देखोगे कि भाई जो गैलेक्सी M40 की स्क्रीन है वो गैलेक्सी A50 की AMOLED जो स्क्रीन है उसको मैच नहीं कर पा रही है, ब्राइटनेस लेवल्स हों या फिर सैचुरेशन लेवल्स हों या फिर जो कलर्स हैं उतने पॉप आउट नहीं कर रहे हैं जितने AMOLED स्क्रीन गैलेक्सी A50 की पे पॉप आउट कर रहे हैं। अब बात करूं यहाँ पे तीनों LCD स्क्रीन वाले फोन्स की, तो इन तीनों फोन्स में यार मैं कहूँगा ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट बराबर सी ही आपको स्क्रीन परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाएगी, जो ब्राइटनेस है चाहे जो कलर्स हैं मोस्टली सिमिलर से ही हैं यहाँ पे, तो AMOLED लेवल की परफॉर्मेंस तो आपको नहीं मिलेगी, बट उसके अलावा आई थिंक जैसा आपको इस प्राइस रेंज में जैसी बाकी स्क्रीन परफॉर्मेंसेज हैं आपको उसी लेवल की स्क्रीन परफॉर्मेंस इस फोन से भी मिल जाएगी। अब एक और अच्छी चीज जो आपको गैलेक्सी M40 की स्क्रीन के साथ मिलती है कि वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन मिलता है, तो नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम वीडियो वगैरह आप सब HD में स्ट्रीम कर सकते हो इस पे। लगे आता हूँ मैं आपको स्पीकर टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ फोन का, तो साथ में कंपेयर भी कर लेंगे Redmi Note 7 Pro से, जिसका मुझे लगता है कि भाई इस बजट में सबसे अच्छा स्पीकर परफॉर्मेंस है, और साथ ही साथ गैलेक्सी A50 से देखने के लिए कि सैमसंग के अपने ही फोन से स्पीकर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो सुनते हैं गैलेक्सी M40 को।
गैलेक्सी A50, नोट 7 प्रो, यार अगेन रेडमी नोट 7 प्रो का भाई जो स्पीकर परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। लाउडनेस भी है स्पीकर में और रिचनेस भी है साउंड में, बेस अच्छा खासा आपको आता है। गैलेक्सी M40 का स्पीकर थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है रेडमी नोट 7 प्रो से, बट बेस वाली साउंड भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत ही टाइनी साउंड करता है स्पीकर। गैलेक्सी A50 का स्पीकर परफॉर्मेंस मैं कहूँगा गैलेक्सी M40 से ज़्यादा है, थोड़ी सी साउंड क्वालिटी भी बेटर है और थोड़ी सी लाउडनेस भी ज़्यादा है। M40 की भाई ओवरऑल मैं बात करूँ तो यार स्पीकर आउटपुट आप एवरेज ही मान सकते हो, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। अब यही बात करूँ कि ईयरफोन्स के साथ जो साउंड आउटपुट है, तो मैंने यार ये टेस्ट करके देखे हैं जो इसके साथ ईयरफोन्स मिले हैं, और एक्चुअली यार जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी बुरी नहीं है परफॉर्मेंस। मतलब बेस साउंड एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, और मतलब अगर आप ये फ़ोन ले रहे हो तो आपको अलग से ईयरफोन लेने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी खासी साउंड आउटपुट आपको इन ईयरफोन से मिल जा रही है। अब इंटरनल्स पे आ जाते हैं तो भाई यहाँ पे एक चीज सैमसंग ने बहुत अच्छी कर दी है, फाइनली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ उन्होंने एक बजट फोन लॉन्च किया, और भाई मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से, क्योंकि अभी तक एक्सिनोस वाले प्रोसेसर्स में वो लॉन्च कर रहे थे और एक्सिनोस प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस यार मुझे थोड़ी सी डाउटफुल सी लगती है, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा करते हैं कभी कभी एकदम से गिवअप कर देते हैं। यहाँ पे वैसी वाली कोई चीज नहीं है भाई, स्नैपड्रैगन 675 के साथ आता है ये फोन, सेम प्रोसेसर है जो आपको रेडमी नोट 7 प्रो में मिलता है। तो यार मेरे पास जो वर्जन है वो है 6GB 128GB का, बट मेरे हिसाब से इसका एक और वर्जन लॉन्च होगा शायद 4GB 64GB के साथ, और भाई दमदार प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा, और इसकी परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी Redmi Note 7 Pro पे देख चुके हैं कितनी अच्छी है। तो चाहे आपके डे टू डे टास्क हों, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें काफ़ी सही से हैंडल कर लेता है ये। बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इस फ़ोन पे HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट में स्टार्ट होता है PUBG, और इसको अगर मैं चाहूँ तो HDR और अल्ट्रा भी कर सकता हूँ, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई कितना पावरफुल है ये प्रोसेसर। और एक बार एक्चुअली गेम खेल के देखते हैं HDR ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट पे, देखते हैं कि कितना हैंडल कर पा रहा है। यार एक चीज़ जो मैं पहले भी काफ़ी बार पॉइंट आउट कर चुका हूँ, मुझे फिर से यहाँ पे फील हो रही है कि यार यहाँ पे जैसे ही मैंने PUBG स्टार्ट किया है तो स्पीकर वॉल्यूम एकदम मर सी गई है। तो अभी जब हम YouTube चला रहे थे उस टाइम स्पीकर वॉल्यूम काफ़ी लाउड इनफ थी, बट PUBG के टाइम भाई स्पीकर वॉल्यूम एकदम ख़त्म हो जाती है, और ये सेम चीज़ मैंने गैलेक्सी के M सीरीज़ के M20 M30 वगैरह में भी नोटिस करी थी, वो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अब यार परफॉर्मेंस की बात करूँ तो HDR ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट में हल्का हल्का सा मुझे चौपी लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ तो नहीं चल रहा है। तो मैं इसको जरा वापस शिफ्ट करके देखता हूँ HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पे शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और अब एकदम से भाई परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मक्खन हो गया है। और अगर आप इस फोन को ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पे खेलना चाहिए इस पे PUBG। और इस प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी Redmi Note 7 Pro पे देख चुके हैं भाई, जो GPU यहाँ पे आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चाहे आप कोई ग्राफिक इंटेंसिव गेम खेल रहे हो, PUBG, Asphalt 9 जैसा। यहाँ बात करूँ मैं कि पंच होल की वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस में कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पंच होल है इस टाइम वो किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर रहा है मेरे गेमिंग परफॉर्मेंस में। और यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन को रोटेट कर दूँ तो आप देखोगे कि जो पंच होल कैमरा है वो यहाँ पे बीच में आ रहा है, बट उससे भी ऐसा कुछ फ़र्क आपको डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। और भाई डिफ़ॉल्ट जब आप PUBG चलाओगे इस फ़ोन पे तो भाई ये जो पंच होल कैमरा के साथ वाली जगह है उसको वो पूरा ब्लैकआउट कर देता है, जैसे नॉच वाले फ़ोन्स के साथ करा जाता था। पर यहाँ पे मैंने इसको मैन्युअली फुल स्क्रीन में चलाया है गेम को, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो पंच होल है उसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ रहा है, और मुझे तो ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप आराम से फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो यार ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इस फ़ोन पे मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, और स्पेशली क्योंकि स्नैपड्रैगन 675 है तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंसिस्टेंट रिलायबल परफॉर्मेंस। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ जो यार सैमसंग के बाकी फ़ोन्स हैं मिड रेंज में, तो जो एक्सिनोस प्रोसेसर्स के साथ आते हैं उसमें आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बात करूँ गैलेक्सी M20 M30 की, तो भाई उसमें जो एक्सिनोस 7904 चिपसेट आपको मिलता है तो वो थोड़ा सा वीक है, और स्पेशली उसका GPU काफ़ी वीक है, गेमिंग परफॉर्मेंस उन फ़ोन्स में इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। बट वो दिक्कत आपको M40 के साथ नहीं होगी भाई, यहाँ पे आप
लंबे टाइम तक जितना मर्जी खेलना है आप यहाँ पे PUBG खेल सकते हो। सर ओवरऑल इस फोन की परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ और होपफुली सैमसंग आने वाले अपने सारे बजट फोन में स्नैपड्रैगन के ही प्रोसेसर डालेगा। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो भाई लेटेस्ट एंड्रॉइड पाई आपको यहाँ पे मिल जाता है और ऊपर से आपको मिल जाता है सैमसंग का वन UI। और सैमसंग के जैसे सॉफ्टवेयर रहे हैं उसके हिसाब से वन UI में भाई काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हो गए हैं, काफी ज्यादा लाइट कर दिया है सैमसंग ने और भाई सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया है। आपको थीम्स मिल जाती हैं बहुत सारी, आपको जेस्टर्स मिल जाते हैं, आपको ये नाइट मोड मिल जाता है जिससे आप पूरा इंटरफेस को आप डार्क कर सकते हो जिससे आपकी बैटरी बच सके। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा फोन है और जो सैमसंग के साथ पहले जो दिक्कतें थी कि भाई फोन स्लो हो जाते हैं कुछ टाइम में और वो सब, वो चीज मुझे लगता है इस फोन के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बैटरी पे आ जाते हैं तो यार 3500 mAh की बैटरी यहां पे आपको मिल रही है, तो यहां पे सैमसंग ने यार थोड़ा फोन को स्लीक बनाने के लिए आई थिंक बैटरी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि जो गैलेक्सी ए सीरीज वाले फोन है उसमें 4000 mAh बैटरी मिलती है और जो M20 M30 थे दोनों में आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी मिलती थी, बट ये आपको यहाँ पे आपको 3500 mAh की बैटरी मिल रही है, तो ऑब्वियसली बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा धांसू नहीं होगी जितनी आपको M20 M30 से मिल रही थी। जो बाकी कंपेटिटर्स हैं 4000 mAh वाले उनसे भी मुझे लगता है थोड़ी सी कम बैटरी लाइफ आपको इसमें मिलेगी, बट भाई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैमसंग साथ में फास्ट चार्जिंग दे रहा है अपनी और इसका एक इन डेप्थ बैटरी टेस्ट मैं करने वाला हूँ अभी जो मैंने आपको फोन दिखाए थे सारे फोन्स के साथ। आ जाते हैं कैमरास पे, तो भाई यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, तो प्राइमरी कैमरा जो है 32 MP का वो कैमरा है, बेसिकली पिक्सल बिनिंग करके आपको 8 MP की इमेजेस देगा। दूसरा भाई आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है 8 MP का और जो तीसरा है वो है 5 MP का डेप्थ सेंसर। आगे आ जाते हैं तो आगे जो भाई ये पंच होल कैमरा है इसमें आपको मिल रहा है 16 MP का सिंगल कैमरा और यहाँ पे कैमरा सिंगल है बट सैमसंग यहाँ पे आपको फिर भी एक वाइड एंगल सेल्फी का ऑप्शन भी देता है, बट वो बेसिकली आपका जो नॉर्मल एंगल है उसको वाइड एंगल बोल रहा है और एक थोड़ा सा क्रॉप करके आपको नॉर्मल सेल्फी देता है जिसमें आपका सिर्फ फेस पे फोकस होएगा। कैमरा सेटअप इसका काफी सिमिलर है जो हमें गैलेक्सी A70 में मिला था, वही वाला प्राइमरी सेंसर पीछे मिल रहा है। मेरे हिसाब से कैमरा परफॉर्मेंस इसकी अच्छी खासी होनी चाहिए और यहाँ पे अगेन काफी बड़ा एडवांटेज यहाँ पे कि वाइड एंगल कैमरा भी आपको साथ में मिल रहा है। कैमरा कंपैरिजन भी मैं इसका करने वाला हूँ सारे बजट फोन्स के साथ, तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैमरा परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करेंगे बाकी सारे फोन से तो कितना अच्छा है कितना बुरा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फोन। तो भाई ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस गैलेक्सी M40 के बारे में और यार अभी तक तो मुझे फोन काफी सही लग रहा है। तो भाई पॉजिटिव्स की बात करूं तो सबसे पहले तो ये पंच होल कैमरा की वजह से भाई जो स्क्रीन डिज़ाइन है इतना सिमेट्रिकल लगता है और वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्लीजिंग टू दी आई है। दूसरी बात भाई फिर से स्नैपड्रैगन 675 इस फोन में दिया है, मुझे लगता है बहुत बड़ा गेम चेंजर है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा इस फोन की परफॉर्मेंस पे, उस वजह से मैं अगेन भाई बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ आई नो ये चीज़, बट सही में आप जब यूज़ करोगे इसको तब आपको रियलाइज होगा कि कितनी बड़ा डिफरेंस मेकर है भाई कि ये स्नैपड्रैगन 675 के साथ आता है फोन। तीसरी चीज़ भाई डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, जो अभी यार यहाँ पे जो कुछ नेगेटिव्स जो इस फोन के साथ हैं वही सबसे पहली बात भाई बैटरी छोटी कर दी है एक तो सैमसंग ने, तो बैटरी लाइफ में आपको धांसू वाली लाइफ नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ और बहुत बड़ा फैक्टर है भाई कि हेडफोन जैक हटा दिया है, सिर्फ आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा कि लोग कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। बाय द वे कोई डोंगल साथ में नहीं दिया है सैमसंग ने, तो या तो आप यही ईयरफोन यूज़ करोगे या फिर आपको ब्लूटूथ वगैरह पे जाना पड़ेगा या अलग से डोंगल खरीदना पड़ेगा। एक और नेगेटिव भाई वही कि जो स्क्रीन है वो एमोलेड से LCD कर दी गई है, तो वैसे स्क्रीन बुरी तो नहीं है किसी भी स्टैंडर्ड से, बट वही जो सैमसंग से हमें एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं कि तूफानी एकदम स्क्रीन मिलेगी अनमैच्ड परफॉर्मेंस, वो चीज़ आपको शायद यहाँ पे थोड़ी मिसिंग लगे। तो यार प्राइसिंग इस फोन की अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कितनी है, बट मेरे हिसाब से इसका जो 6GB 128GB मॉडल है वो 20,000 के अराउंड लॉन्च होना चाहिए और अगर 464GB मॉडल है तो वो 17,000 के अराउंड लॉन्च होना चाहिए और इस प्राइसिंग पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है ये ऑप्शन, स्पेशली अगर आपको एक फैंसी लुकिंग अच्छा दिखने वाला फ़ोन चाहिए जिसका डिज़ाइन बाकी सबसे अलग हो, भाई आपको रिलायबल परफॉर्मेंस चाहिए, PUBG वगैरह आपको बहुत खेलना है, तो बहुत सही है ये फ़ोन। सैमसंग की ब्रांडिंग आपको साथ में मिल जा रही है, तो अगर आपको उतना भरोसा नहीं है अभी नई ब्रांड्स पे और चाइनीज़ ब्रांड्स पे तो डेफिनेटली भाई ये काफ़ी अच्छा पैकेज है। अगर इसका प्राइस थोड़ा सा भी ज़्यादा करता है सैमसंग, जैसे 464 वाला मॉडल अगर आपको 16999 टाइप में नहीं मिल रहा है और ये 6128 वाला मॉडल अगर आपको 20,000 से थोड़ा सा भी ऊपर मिल रहा है तो फिर मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं होगा उतना, क्योंकि फिर बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाते हैं पिक्चर में, इनमें आपको शायद थोड़ी सी बेटर बैटरी मिल जाए
जाए, थोड़ा सा बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाए और भाई हेडफोन जैक मिल जाए जो काफी बड़ा फैक्टर है। तो अभी के लिए प्रॉमिसिंग तो है भाई फोन, बट वही कुछ कुछ डिसीजन जो सैमसंग ने लिए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा डाइसी हो जाता है रेकमेंड करना कि खरीदना चाहिए या नहीं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और एक फुल कैमरा कंपैरिजन, बैटरी कंपैरिजन और पबजी परफॉर्मेंस कंपैरिजन, ये सब मैं लेके आने वाला हूँ बाकी सारे बजट फोन्स के साथ इस फोन का। तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप बताओ वीडियो कैसी लगी, फोन कैसा लग रहा है आपको, और कुछ सवाल हैं फोन के बारे में तो भाई नीचे जरूर छोड़ दो। भाई सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर लो, नाम है मेरा रुशिल और नीचे मैंने हैंडल छोड़ दिए हैं अपने। चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए